children, welcome to Adda 247 online school. और ये है आप लोगों की second video recorded class for your science first chapter that is matter in our surrounding. तो पहले chapter में हम लोगों ने पहले video recorded class में हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसका एक बार quick revision करते हुए today we will start with a new topic that is about the detailed study of different states of matter. तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने previous classes में क्या क्या पढ़ा था. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि what is matter in our next slide. जैसे कि हमने देखा था कि मैटर हम किनको कहते हैं, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर, राइट. तो किसी भी चीज़ जिसमें मास है, अब हम बात कर रहे हैं मास की, तो यहाँ पर आप लोग इसको वज़न, मैंने पिछले क्लास में इसको बोला था वज़न, लेकिन वज़न मतलब वो कितना हल्का या कितना भारी है. अगर आप उसको साइंस के टर्म में सोचेंगे तो उसको हम बोलते हैं वेट. लेकिन मास और वेट में डिफरेंस है जो आप अपने फिजिक्स की क्लास में नाइन्थ में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो हम जब बात करते हैं मास की, तो मास जो है उसमें इसका ये मतलब है कि उस जो मैटर है, मैटर जैसे कि एटम से बनी हुई है, तो उसके अंदर एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ एटम्स है. तो अगर किसी ऑब्जेक्ट में ज़्यादा एटम्स है तो उसका मास ज़्यादा होगा, और अगर किसी वस्तु में कम नंबर ऑफ एटम्स है, वो कम नंबर ऑफ एटम्स से बनी हुई है, देन उसका जो मास है वो कम होगा. अब ये भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह की एटम से बनी हुई है, एटम जो है वो बड़ा है या छोटा है. तो आप अभी के लिए बस ये समझ लीजिए कि एक्चुअल नंबर ऑफ काउंट्स इन अ मैटर मेक्स इट्स मास. मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा, जबकि हम वज़न या वेट की बात करते हैं तो वो आ जाता है ग्रेविटेशनल पुल के बारे में, जो कि अलग अलग जगह अलग अलग हो सकता है. अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल पुल है वो ज़्यादा है अगर आप उसको कंपेयर करेंगे मून के साथ. तो अगर किसी चीज़ का वेट, वज़न जो है वो अर्थ पे 6 kg है, तो मून पे वो 1 kg हो जाएगा. तो ऐसे करके वेट जो है वो डिफ़र करता है, लेकिन मास जो है वो डिफ़र नहीं करता है, वो कांस्टेंट रहता है, राइट. ये देखा था कि मैटर आर मेड अप ऑफ एटम. देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, शुगर क्यों डिसॉल्व होता है पानी में, ये देखा था. और ये भी देखा था कि व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड्स वेरी क्विकली, हमने देखा था कि हर पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस रहता है. और मैंने आपको शुगर और सैंड के एग्जांपल से इस बात को समझाया था कि सैंड इसलिए पानी में डिसॉल्व नहीं होता क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो सैंड के पार्टिकल्स उतने उससे बड़े हैं, तो इसलिए सैंड डिसॉल्व नहीं होता. लेकिन जो शुगर पार्टिकल्स है वो उन स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है और शुगर डिसॉल्व हो जाता है, राइट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक को भी देखा था कि जो पार्टिकल्स है वो मूव कर रहे हैं, दे आर इन कंटिन्यूस मोशन. इसको हमने समझा था इंक वाले एग्जाम्पल के साथ. नेक्स्ट स्लाइड, और हमने देखा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, इनमें अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, तो व्हाट आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, दे आर पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस रहती है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. हम मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था, आई होप कि आप सब ने इसका आंसर ढूंढ लिया होगा. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, नाउ कमिंग टू स्टेट्स ऑफ मैटर. जब हम स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं, मतलब हमारे आसपास कितनी डिफरेंट डिफरेंट तरह की मैटर्स है.
अब इन मैटर्स को और अच्छे से पढ़ने के लिए समझने के लिए इनको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं इनटू थ्री स्टेट्स. दे आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसमें साइंटिस्ट कहते हैं कि मेजरली मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. इसको छोड़ के भी दो और स्टेट्स के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है, एक है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और दूसरा है प्लाज्मा. तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा क्या है, इनके बारे में अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जब भी इससे रिलेटेड वीडियोस आएंगी यू विल गेट अ नोटिफिकेशन अबाउट इट. लेकिन अभी के लिए हम ये समझ लेते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या है वो और वो आपस में कैसे डिफरेंट है. मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स. अब हम जब बोल रहे हैं कि वो सॉलिड, लिक्विड और गैस में होती है तो आप लोग, जैसे कि पहले ही कहा है कि साइंस इज ऑल अबाउट व्हाई एंड हाउ, तो ऐसा क्यों होता है, क्यों सॉलिड, लिक्विड और गैस ये तीन डिफरेंट स्टेट में मैटर प्रेजेंट होती है. इसका आंसर है क्योंकि दिस स्टेट्स ऑफ मैटर अराइजेस ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. पार्टिकल्स ऑफ मैटर में जो अलग अलग वेरिएशंस होती है, पार्टिकल्स मतलब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एटम्स की. अब वो एटम्स के अरेंजमेंट्स में या उनकी प्रॉपर्टीज़ में वो आपस में कैसे हैं, इनमें जब वेरिएशंस आती है उसकी वजह से ये तीन स्टेट्स ऑफ मैटर देखने को मिलती है. तो जैसे कि हम अभी देखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में एटॉमिक लेवल पे, पार्टिकल लेवल पे क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अगर हम देखें सॉलिड, तो सॉलिड में आपको यहाँ पर इस पिक्चर में दिख रहा है कि ये जो गोल गोल है, अगर आप उसको पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि ये आपस में कितनी क्लोजली जुड़े हुए हैं, कितने पास पास चिपके हुए हैं और आपस में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं. जबकि अगर हम लिक्विड में आए तो वो थोड़ा सा दूर है एक दूसरे से, और अगर हम गैस की बात करें तो गैस में पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है, जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही दूर दूर हैं एक दूसरे से. राइट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इसमें हम ये देखेंगे कि सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, लिक्विड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है और गैस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. जब हम बात करते हैं सॉलिड की तो सॉलिड ऑलवेज हैव अ डेफिनाइट शेप. अगर आप देखें चेयर, कुर्सी, टेबल, डस्टर जो भी है उनका एक आकार होता है, जो जब तक आप उस पर फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं तब तक वो नहीं बदलेगा. अगर एक कागज़ है तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको आप फाड़ नहीं रहे हैं. तो दे ऑलवेज हैव अ डेफिनाइट शेप, उनकी एक निर्धारित शेप होती है. फिर बात करते हैं लिक्विड की. लिक्विड की अगर आप बात करें तो वो, उसकी कोई शेप नहीं होती. अगर आपने उसको एक बॉटल में डाला है तो वो बॉटल का शेप ले लेती है, अगर आपने उसको एक पतीले में डाला है तो वो पतीले का शेप ले लेती है. लेकिन लिक्विड, कोई भी आप लिक्विड की बात कीजिए, जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, उसका कोई निर्धारित शेप नहीं होता, आकार नहीं होता. इस तरह अगर हम देखें गैस, तो गैस कि भी कोई निर्धारित आकार आकृति नहीं होती है. वो उसमें भी वो जिस कंटेनर में डलता है, अगर वो सिलेंडर में डला हुआ है तो वो सिलेंडर का शेप ले लेगा, अगर वो बॉटल के अंदर है तो वो बॉटल का शेप ले लेगा, तो उसकी खुद की कोई डेफिनाइट शेप नहीं होती. अब हम आते हैं अबाउट बाउंड्रीज. जो हम देखते हैं, अगर आपने एक लिक्विड, अगर आपने एक चॉक या डस्टर को रखा तो आप कह सकते हैं क्लियरली कि ये उसकी बाउंड्री है. अगर पानी
ज़मीन पे गिर गया तो उसकी कोई डेफिनाइट बाउंड्री नहीं होती, वो बहेगा और वो टाइम के साथ साथ चेंज होता रहेगा, राइट। सेम वे गैस की भी कोई डेफिनाइट बाउंड्री नहीं होती, तो हम इससे कह सकते हैं कि सॉलिड हैव अ डिस्टिंक्ट एंड डेफिनाइट बाउंड्रीज, वेयर एज लिक्विड हैव नो डेफिनाइट बाउंड्रीज एंड गैस ऑल्सो डू नॉट हैव डेफिनाइट बाउंड्रीज, ओके। नाउ कमिंग टू रिजिडिटी, रिजिडिटी मतलब ये बहुत ही हार्ड होती है, सख्त होती है, कौन? सॉलिड। जबकि लिक्विड की बात करें तो लिक्विड सख्त नहीं होता, वो फ्लो कर सकता है, फ्लूइडिटी का मतलब होता है फ्लो करना, और गैस भी इस तरह फ्लूइड होता है जो कि बह सकता है, फ्लो कर सकता है, राइट। नाउ कमिंग टू कंप्रेसिबिलिटी, अब हम जब बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की, यहाँ पर देखिए कि पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड की हम जब बात कर रहे हैं तो पार्टिकल्स के बीच में ऑलरेडी कितना कम स्पेस है, आप उनको अगर पास पास लाना चाहे तो वो ऑलरेडी इतना पास है कि आप उनको और ज़्यादा पास नहीं ला सकते पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड को अगर आप देखें, तो इसीलिए सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। लेकिन अगर आप लिक्विड की बात करें और लिक्विड के पार्टिकल्स को पास पास लाना चाहे तो वो आप थोड़ा सा पास उनको ला सकते हैं, क्योंकि वो आपस में बहुत ज़्यादा दूर नहीं है एक दूसरे से, लेकिन थोड़ा सा दूर है तो आप उनको पास ला सकते हैं। दैट्स वाई लिक्विड हैव लो कंप्रेसिबिलिटी। और हम जब बात करते हैं गैस की, तो गैस के पार्टिकल्स तो इतने दूर दूर हैं एक दूसरे से, उनको चाहो तो बहुत ज़्यादा पास लेके आ सकते हैं, इसीलिए गैस हैज़ हाई कंप्रेसिबिलिटी। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की, वॉल्यूम मतलब वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है, वो कितना जगह लेगा। तो डेफिनेट सॉलिड जो है, कोई भी सॉलिड चीज़ ले लीजिए, उसकी एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है, वो उतना एक पर्टिकुलर स्पेस ही ऑक्यूपाई करेगा। और हम जब बात करते हैं लिक्विड की भी डेफिनेट वॉल्यूम होती है, लेकिन गैस डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, ओके। तो गैस जो है वो कितना भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स आपस में इतने दूर दूर हैं एक दूसरे से कि वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। अब हम गैस, सॉलिड और लिक्विड के बारे में और अलग अलग एग्जांपल देखेंगे, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू थिंक कि हम जब बात कर रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी कि हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, तो फिर स्पॉन्ज क्यों कंप्रेस करते हैं हम, स्पॉन्ज कैसे कंप्रेस हो जाता है? तो आप लोग इसका आंसर सोचिए और कमेंट सेक्शन पे आप लोग इसका आंसर कमेंट भी कर सकते हैं। एंड टिल दैट टाइम कीप वॉचिंग अड्डा 247 ऑनलाइन स्कूल। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इनकी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो कीप वॉचिंग एंड कीप एंजॉइंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू।